सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमें यूपी गवर्नमेंट द्वारा दिया गया टैबलेट है। और ये टैबलेट की खास बात ये कि ये टैबलेट तो हमको योगी जी ने दिया ही दिया है, बट इसके साथ एक बवासीर भी दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस डिवाइस इज मैनेज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये डिवाइस जो है वो कम्प्लीटली मॉनिटर हो रखा है और इसकी एक एक चीज़ आपकी मॉनिटर हो रही होगी। सो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि इसमें रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन से लगे हुए हैं और उसके बाद हम इसको देखेंगे इसे किस तरीके से रिमूव करना है। तो सबसे पहले अगर हम जाएं, तो अगर हम इसके नोटिफिकेशन सेक्शन में जाते हैं, तो दो ऐप आपको कॉन्स्टेंटली रनिंग नज़र आ जाएंगे, जो कि है स्केल फ्यूजन और विंगमैन। और इसमें सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस कितनी है वो मैं आपको, चलो इनकी, इन ऐप्स की परमिशन से ही दिखा दूंगा कि ये ऐप ने कौन कौन सी परमिशंस ले रखी है। सो हम सेटिंग्स में अगर जाएंगे, उसके बाद हम लोग ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाएँ, और उसके बाद ऐप इन्फो, मतलब जो जो भी ऐप इंस्टॉल है उन्होंने कौन कौन सी परमिशन ले रखी, कितना स्टोरेज ले रखा है, वो सब का सब हमें यहाँ से पता चल जाता है। तो हम सबसे पहले इस स्केल फ्यूजन को देखें, तो और इसके परमिशन में जाएं, तो आप देख सकते हो कोई भी एक परमिशन ऐसी नहीं जो इसके पास ना हो। आपका कैमरा, आपके कॉन्टैक्ट, आपकी लोकेशन, माइक्रोफोन, फ़ोन, फिजिकल एक्टिविटी, स्टोरेज, एक एक चीज़ आपकी इसमें मॉनिटर्ड होगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपका ये एडवांस्ड में, मतलब क्या 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 चीज़ें हैं। सो ये आपका देख सकते हो कि ये मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स ये अलाउ कर रखा गया है, और इंस्टॉल अननोन ऐप, मतलब ये आपके सिस्टम सेटिंग्स को मॉडिफाई भी कर सकता है और इसमें कोई अननोन ऐप भी इंस्टॉल कर सकता है। और आप बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें आप जो जो भी काम कर रहे हो वो सारा का सारा यूपी गवर्नमेंट इसके थ्रू मॉनिटर कर रही होगी। और अगर हम विंगमैन को देखें, तो इसमें भी आपको परमिशन फ़ोन एंड स्टोरेज की दे रखी है, और एडवांस में आपको दिया होगा मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स, और यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। और इसके थ्रू गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो सारा डेटा आपका पता चलता रहेगा। सो नेक्स्ट, अब हमें इसे हटाना किस तरीके से है वो मैं बताता हूँ आपको। इसको हटाने के लिए कुछ करना नहीं है, बस इस डिवाइस को एक बार फैक्ट्री रीसेट कर देना है। ठीक है, इस डिवाइस को एक बार फैक्ट्री रीसेट कर देना। तो हम लोग नॉर्मली सेटिंग से जाके फैक्ट्री रीसेट करते हैं। सो यहाँ पर हम जाएंगे एडवांस्ड रीसेट ऑप्शंस में, और उसके बाद इरेज डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन इन्होंने डिसेबल कर रखा है। और ये जो मैं मोर वाले आइकन में क्लिक करूँगा, तो ये देखिए जो स्केल फ्यूजन का ऐप है उसने इस एक्शन को डिसेबल करके रखा हुआ है। ओके, तो ये हम डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे, इसको हम सिस्टम के थ्रू करेंगे। बट इससे पहले हम लोग एक तरीका और ट्राई कर लेते हैं। जैसा कि कहोगे ऐसे नहीं हो रहा है, तो लोग, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि हम इस डिवाइस को करते हैं पावर ऑफ, और पावर ऑफ करने के बाद इस डिवाइस को हम लोग रिकवरी मोड में बूट करेंगे। रिकवरी मोड में किस तरीके से बूट करेंगे, आप वॉल्यूम अप और पावर की को एक साथ प्रेस करेंगे, तो उसके बाद आपका जो डिवाइस है वो ये इस तरह के इसमें आ जाएगा। और उसके बाद इसमें बोल रहा है वॉल्यूम अप टू सिलेक्ट एंड वॉल्यूम डाउन इज ओके। तो वॉल्यूम अप की मदद से हम लोग रिकवरी मोड को सिलेक्ट करेंगे, ये वॉल्यूम अप की मदद से हमारा जो एरो है वो रिकवरी मोड में आ गया। और उसके बाद हम वॉल्यूम डाउन दबा के जब इसको ओके करेंगे, तो अब यहाँ पे भी एक दिक्कत आएगी, आपका टैबलेट रिकवरी मोड में बूट होने के बजाय डायरेक्ट नॉर्मली बूट हो जाएगा। ओके, सो ये एक दिक्कत है जिससे आप, मतलब डायरेक्टली रिकवरी मोड में भी नहीं जा सकते हो। और ये टैबलेट आपका देख सकते हो वो रिकवरी मोड वाला ऑप्शन जा चुका है, और ये आपका नॉर्मली आ चुका है। युवाओं के साथ योगी सरकार, एक नया बवासीर आपके सामने ही आ चुका है खुलते ही। सो यस, ये थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद ये चला जाएगा। अब इसके बाद हमें जो एक्चुअल प्रोसेस है, अब उस पर आते हैं। सो दिस डिवाइस इज मैनेज बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, अभी भी हमारा कुछ नहीं हुआ है, तो रिकवरी मोड में हम डायरेक्टली नहीं जा सकते। अब इसको हमें EDB टूल्स की मदद से जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें करना क्या है, अब ओरिजिनल प्रोसेस शुरू होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। सो यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे नीचे जाएंगे अबाउट टैबलेट में। अबाउट टैबलेट में जाने के बाद आपको ये जो बिल्ड नंबर नज़र आ रहा है, इस बिल्ड नंबर में आपको 7 टाइम्स टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और यहाँ पे लिख के आ रहा होगा यू आर नाउ अ डेवलपर। सो आपने बिल्ड जो डेवलपर ऑप्शंस हैं उनको इनेबल कर लिया, तो अब डेवलपर ऑप्शंस में जाके आपको एक सेटिंग को ऑन करना है, जो कि है USB डीबगिंग। वो आपको मिलेगा कहाँ पर, आपको सिस्टम के अंदर जाना है, एडवांस्ड में जाना है, और आपको डेवलपर ऑप्शन जो कि पहले इनेबल नहीं था, अब इनेबल हो चुका है। सो डेवलपर ऑप्शंस में आप जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद आपको USB डीबगिंग का ऑप्शन इनेबल कर देना है। यहाँ पे तो आप डेवलपर ऑप्शन इनेबल करोगे तो ऑलरेडी इनेबल आपको मिलेगा। अभी डिजी शक्ति खुल गया, जरा इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये बंद भी नहीं हो रहा, हाँ बंद हो गया, वो टैबलेट को रिबूट करते ही बार बार आ जाता है। सो यहाँ पे USB डीबगिंग आपका इनेबल होगा, उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको सिंपली टैबलेट को इस तरीके से होम स्क्रीन पे आकर के रख देना है, और उसके बाद आपको चलना है अपने सिस्टम के ऊपर। और सिस्टम के ऊपर आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और आपको एक फाइल का लिंक मिलेगा जो कि ये zip फाइल है प्लेटफॉर्म टूल्स वाली। ठीक है, सो आपको इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, 6 MB की फाइल है। ठीक है, गूगल ड्राइव का भी लिंक दे रखा है मैंने, मीडिया फाइल का भी लिंक ले रखा है, दोनों में से किसी एक से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। तो मैं इसमें सिंपली क्या करूँगा, राइट क्लिक एंड एक्सट्रैक्ट। आप विंडोज़ में अगर हैं या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। विंडोज़ का जो डिफॉल्ट एक्सट्रैक्टर है उसकी मदद से भी कर सकते हैं, और विनरार या विनजिप कोई भी कस्टम टूल है उससे भी कर सकते हैं। मैं सिंपली एक्सट्रैक्ट हियर कर देता हूँ विनरार से, और ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो चुका, और ये देखिए ये फोल्डर मेरे डेस्कटॉप में आ चुका। मैं इसको इधर ले आता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे।
उसके बाद आपको क्या करना है, इस फोल्डर को ओपन करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कई सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मिलेंगी और काफ़ी अजीब अजीब तरह की फाइल्स मिलेंगी आपको, इसमें किसी को भी टच नहीं करना है, ठीक है। ये ADB टूल्स हैं, इसको आपको कुछ भी टच नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ पे जहाँ पर ये प्लेटफॉर्म टूल्स और ये फोल्डर का पाथ लिखा है, आपको यहाँ पर जाना है और सिंपली सब कुछ काट के क्या लिख देना है, CMD लिख के आप जैसे ही एंटर मारेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाएगा और ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो कलर्स हैं वो व्हाइट एंड ब्लैक नज़र आ रहे हैं, जो टेक्स्ट है वो आपका व्हाइट कलर का लिख के नज़र आ रहा है, और मैंने कलर्स चेंज कर रखे हैं इस वजह से वो ऐसा नज़र आ रहा है, बट आप कलर से कोई मतलब नहीं है, ये नॉर्मली आपका बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे करना चाहिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, अब USB केबल की मदद से आपको अपने टैबलेट को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर देना है, जो कि मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और उसके बाद अब आप जब इसके नोटिफिकेशंस में जाएंगे तो नोटिफिकेशंस में आपको लिख के आएगा USB डीबगिंग कनेक्टेड। ओके, सो आगे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे अगेन अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और आपको सिंपली एक कमांड चलाना है और उसके बाद इस टैबलेट को फोर्सफुली हम लोग रिकवरी मोड में बूट करेंगे और उसके बाद इसको फैक्ट्री रीसेट करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसके अंदर ADB स्पेस रिबूट स्पेस रिकवरी, आपको यही कमांड चलाना है। ओके, और इसके बाद आपका टैबलेट रिबूट हो जाएगा रिकवरी मोड में। हो सकता है फर्स्ट टाइम में ना हो तो सेकंड टाइम में करिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में अलाउ करने को बोलता है ये। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख के आ रहा है डेमॉन नॉट रनिंग, और यहाँ पे अगर हम इस टैबलेट में बात करें तो ये हमारे सामने एक ऑप्शन आ चुका है। तो इसमें आप इसको ध्यान से देखिए, मैं फोकस कर देता हूँ कैमरा को। सो आपको सिंपली क्या करना है, ऑलवेज अलाउ फ्रॉम दिस कंप्यूटर और उसके बाद इसको अलाउ कर देना है। तो आप जैसे इसको अलाउ कर देंगे तो आपका टैबलेट में से सब चला जाएगा और उसके बाद आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही होगी। रिकवरी मोड में अभी भी हमारा टैबलेट नहीं गया है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक बार में अगर नहीं होता तो अलाउ करने को बोलता, सेकंड टाइम में हो जाएगा। सेकंड टाइम में अगर हम यही कमांड दोबारा चलाएंगे ADB स्पेस रिबूट स्पेस रिकवरी, तो उसके बाद अगर हम एंटर हिट करेंगे तो अब मेरा टैबलेट जो है वो बंद हो जाएगा और वो रिकवरी मोड में बूट होने लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो वेट फॉर इट, और अभी ये रिकवरी मोड में रिबूट हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो ये रिबूट हो रहा है और अभी ये रिकवरी मोड में जाएगा। अब चाहें तो आप ये USB केबल है वो रिमूव भी कर सकते हैं और ये मेरा रिकवरी मोड में बूट हो चुका है। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब आपको रिकवरी मोड में आ चुके। तो रिकवरी मोड में आने के बाद आपकी जो वॉल्यूम कीज़ हैं, वॉल्यूम अप से आपका ये जो ऑप्शन हैं ये ऊपर नीचे होंगे, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन से और पावर बटन से सिलेक्ट होंगे। तो मुझे इसमें ये वाइप डेटा एंड फैक्ट्री रीसेट, इसको मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम डाउन की मदद से नीचे आऊँगा, मैं यहाँ पर गया इसको, और पावर बटन की मदद से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। पावर बटन की मदद से सिलेक्ट कर ले तो मेरे से पूछ रहा है फाइनल कन्फर्मेशन के लिए कि आप ये सही में करना चाहते हैं। यस, मैं इसको सही में करना चाहता हूँ। अगेन वॉल्यूम डाउन से मैंने नीचे आया और इसको पावर बटन से मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अब आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, इसमें लिख के आ रहा होगा वाइपिंग डेटा एंड फॉर्मेटिंग डेटा, और ये फॉर्मेट हो जाएगा। सो UP गवर्नमेंट का बवासीर कम्प्लीटली जड़ से ख़त्म हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको वापस से रिबूट कर लेना है। तो अगेन यहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे हम हैं तो सिंपली पावर बटन दबा देंगे तो ये मेरा रिबूट होने लगेगा। एंड मेक श्योर कि ये रिबूट होने में थोड़ा सा समय लेगा। आप किसी भी डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करते हो तो रिबूट होने में काफ़ी समय लेता है, 4 से 5 मिनट का समय ले सकता है। सो घबराएं नहीं, आपका टैबलेट ख़राब नहीं हुआ है, ये जस्ट रिबूट हो रहा है। और इसके जो सारी सेटिंग्स हैं, जैसा कि एसर का टैबलेट फैक्ट्री से निकल के आता है बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। इसमें कोई भी एडिशनल सिक्योरिटी ऐप जैसे सिस्केल फ्यूजन वगैरह कुछ भी आपको पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। सो ये इस स्क्रीन में आकर अटक जाएगा, 4 से 5 मिनट के लिए रिबूट होगा और उसके बाद आपकी सारी सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी। सो मैं तब तक के लिए इस वीडियो को स्किप कर देता हूँ और उसके बाद जैसे ये रिबूट होगा उस पर हम लोग आगे चलेंगे। तो गाइस नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो टैबलेट है वो रिबूट हो चुका है प्रॉपरली, और अब यहाँ पे जो बेसिक सेटिंग्स जो मांगता है कोई भी फैक्ट्री रीसेट के बाद, सो वो हम कर देते हैं। सिंपली स्टार्ट में क्लिक करेंगे और स्टार्ट में क्लिक करने के बाद सिंपली स्किप इट, मुझे अभी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज अपडेट्स वगैरह वो डाउनलोड करने लगेगा। सेटअप ऑफलाइन, मुझे नहीं कनेक्ट करना है। जस्ट अ सेकेंड, चलिए देखते हैं कितनी देर में ये होता है, एंड काफ़ी फास्ट काम कर रहा है। क्या नेक्स्ट, हाँ मोर एक्सेप्ट एंड अगेन आगे चलते हैं। सो यहाँ पे पिन डालने को बोल रहा है, मैं फिलहाल के लिए इसमें कोई पिन नहीं डाल रहा हूँ, इसको स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाद में आपको डालना हो आप डाल लीजिएगा, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। और इसके बाद आई होप रिबूट हो जाना चाहिए, इसके अलावा तो और कुछ नहीं चाहिए मुझे, देखते हैं। सो अब इसकी केबल की तो खैर हमें कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको हम रिमूव कर दे सकते हैं, काफ़ी टाइट केबल दे रखी है। सो इसको मैंने रिमूव कर दिया एंड नेक्स्ट, हाँ सो अब ये हमारा टैबलेट कुछ इस तरीके से ओपन हो चुका है, रिबूट हो गया है कम्प्लीटली।
और अब आप अगर देखेंगे तो आपको वो स्केल फ्यूजन और विंगमैन वाले ऐप नज़र नहीं आ रहे होंगे, आप ऐप से भी जाके देखेंगे वो नज़र नहीं आएंगे। और इफ़ आप इसको सिंपली आप क्लोज़ करके जब आप इसे दोबारा पावर बटन से ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो लिख के आ रहा था नीचे दिस डिवाइस इज़ मैनेज बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपको लिख के नहीं आ रहा होगा। सो ये अपडेट्स आर रेडी और ये सब तो लिख के आएगा क्योंकि इसमें जब आप फैक्ट्री रीसेट करते हो तो जितने भी अपडेट्स आपने पहले से कर रखे होते हैं वो सब चले जाते हैं, तो वो सब आप दोबारा नेट से कनेक्ट करके कर लीजिएगा। और अब ये डिवाइस आपका कम्प्लीटली पर्सनल डिवाइस हो चुका है, इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं लगा हुआ है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इट्स अ बॉय अमन साइनिंग आउट, नमस्ते।